हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य संबंध के देवगढ़ से बड़ी खबर। आज सुबह नेशनल हाईवे नंबर 8 पर हुआ दर्दनाक हादसा। दो ट्रकों के भीषण टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में एक चालक की मौके पर हुई जलकर दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची दमकल ने 3 घंटे बाद पाया आग पर काबू। एक दमकल का पानी खत्म होने पर बुलानी पड़ी थी दूसरी दमकल। मौके पर पहुंची देवगढ़ पुलिस। 3 अन्य घायलों को पहुंचाया देवगढ़ अस्पताल। इलाज के दौरान एक घायल ने तोड़ा दम। मरने वाले की शिनाख्त हुई हरियाणा निवासी वसीम खान और अजमेर निवासी मुकेश कुमार के रूप में। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। देवगढ़ थाना क्षेत्र के दान की बावड़ी क्षेत्र की घटना। बगड़ टोल पर एम्बुलेंस की कमी फिर खली। टोल पर होती है एम्बुलेंस तो घायलों को जल्द मिल जाता है इलाज। जागरूक टीवी के लिए राज्य संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारूत की रिपोर्ट।